बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर ऑल फाइन। क्लास टेंथ, इट्स योर ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। वेलकम टू योर क्लास। टुडे आवर टॉपिक इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसेबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म। इससे पहले हमने दो टाइप्स डिस्कस की हैं, आज हमने टाइप नंबर 3 को करना है, जो कि हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स टर्म्स ऑफ द फॉर्म ए पावर एक्स, वेयर ए ग्रेटर दैन 0 एंड ए नॉट इक्वल टू 1 आर कॉल्ड एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस, वेयर ए इज़ एनी कांस्टेंट। ए पावर एक्स की फॉर्म में हमारे पास जो भी इक्वेशंस होंगी जिसमें हमारे पास एक्सपोनेंशियल वाली टर्म होगी, वो हमारी टाइप 3 से रिलेटेड होगी, और उसको सॉल्व करने के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है ए पावर एक्स इक्वल टू वाई। जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगी उसको हमने वाई की इक्वल लेके फिर सोल्यूशन फाइंड करना है। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 11। सॉल्व 3 × 3 पावर 2x + 1 माइनस 10 × 3 पावर x + 1 इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है, इसको अब हमने पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करना है और फिर इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट 3 × 3 पावर 2x + 1 माइनस 10 × 3 पावर x + 1 इक्वल टू 0। अब हमने जो टर्म्स हैं 3 पावर x, इसकी जगह y तो पुट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर में दो टर्म्स आ रही हैं, पहले इनको हमने स्प्लिट करना है, सिंपल 3 पावर x की फॉर्म में शिफ्ट करना है और फिर y को पुट करना है। 3 × 3 पावर 2x आ जाएगा और 3 पावर 1 आ जाएगा, सेम बेस के साथ पावर सेपरेट हो जाएगी। माइनस 10 × 3 पावर x + 1 इक्वल टू 0। एक्सपोनेंशियल ला यूज़ किया, ए पावर एम प्लस एन इक्वल टू ए पावर एम इंटू ए पावर एन। इम्प्लाइज दैट ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 आ जाएगा, 3 पावर 2x माइनस 10 × 3 पावर x + 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को हम 1 का नाम देंगे, लेट वाई इज इक्वल टू 3 पावर x, इस 3 पावर x की जगह y पुट कर लेंगे। अब हमारे पास 3 पावर 2x वाली टर्म भी है, तो पहले हम इसका स्क्वायर लेते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 3x होल स्क्वायर। इम्प्लाइज दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 पावर्स की पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 2x आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल ला यूज़ किया, a पावर m होल पावर n इक्वल टू a पावर m n, दैट इज़ y स्क्वायर इक्वल टू 3 पावर 2x। एक हमारे पास 3 पावर x वाली टर्म आ गई और एक 3 पावर 2x वाली, एक को नाम देंगे इक्वेशन 2 का और एक को नाम देंगे इक्वेशन 3 का। पुट इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1, 9 × 3 पावर 2x की जगह y स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 10 × 3 पावर x की जगह y आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट 9y² माइनस 10y + 1 इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है वाई की फॉर्म में, सॉल्व इट बाय फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए 3 डिफरेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, तो आप किसी भी एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कंपेयर 9y² माइनस 10y + 1 इक्वल टू 0 विद ay² + by + c इज इक्वल टू 0। अब जो हमारे पास इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन फाइंड करना है, वो वाई की टर्म्स में है, वाई की फॉर्म में है, तो जो हमने जनरल इक्वेशन लेनी है वो भी वाई की फॉर्म्स में लेनी है। कंपेयर करेंगे, y² का कोफिशेंट a है और y² का कोफिशेंट 9 है, तो a इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। y का कोफिशेंट b है, यहाँ पर y का कोफिशेंट -10 है, b की वैल्यू -10 आ जाएगी और c की वैल्यू 1।